नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007-10 जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले देखो, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं ये लिंक दे दूंगा वीडियो के, वहां से आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल में सीधा जाकर इसको पेस्ट करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, गेट इनटू पीसी। तो यहाँ नीचे जाना है आपने, नीचे जाने के बाद और नीचे जाए, यहाँ देखिए, ये रहा, ये लिंक है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब थोड़ी देर प्रोसेस होगा, उसके बाद ओपन होगी वेबसाइट। इस तरह से पेज ओपन होगा। ये देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट है जो प्रोसेस कर रही है, इसको थोड़ी देर प्रोसेस होने दें। उसके बाद देखिए, इस तरह से पेज ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा वेट करें और ये आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, और यहां से आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे, ये फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है ये। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उस फाइल को ओपन करना है। ओपन होके कुछ इस तरह की फाइलें आपके सामने आएंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे थर्ड लास्ट है जो आपका सीरियल यहाँ पे लिखा है, उस सीरियल को ये आगे पीछे हो सकता है, आप उसको कॉपी कर लें। ठीक है, ये इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसके नीचे सीरियल लिखा रहेगा। आपने सीरियल को फाइल को ओपन करके इसको सारे को सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है इसको। ठीक है, कॉपी करने के बाद इस फाइल को बंद कर देना है। उसके बाद आपको सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, इस सेटअप के ऑप्शन को आपने ओपन करना है, या रन एज एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्लिक करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा। परमिशन में आपने यस करना है। यस करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो हमने वो सीरियल कॉपी किया था, या कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट होने के बाद यहाँ ग्रीन कलर का टिक मारा आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन आपने देख लेनी है, देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ। अब इसमें दो ऑप्शन है, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज। अगर पहले से इंस्टॉल है तो ये अपडेट हो जाएगा, तो आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है, आपका पहले का आपका अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं करना है, आपने न्यू इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल नाउ पे ही क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा।